ये हमारी ट्रेन है जो हमें लेकर आई है। ये देखिए बाहर निकल आए हैं तो यहाँ पर नीचे टैक्सीज भी अवेलेबल है। और ये जद्दा स्टेशन बाहर से मैंने कहा आपको दिखा दूँ, इस तरह से कुछ दिखता है। और जैसा कि हमें उम्मीद थी, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे हमनाम ज़ीशान भाई हमें लेने आए हुए हैं जद्दा स्टेशन पर। और ये हम ज़ीशान भाई के घर पे आ गए हैं और ये जद्दा में रहते हैं, अजीज़िया के इलाके में। दूसरे दोस्त हमें लेने आए हुए हैं हारून भाई, वो भी यहीं रहते हैं जद्दा में। कोई बड़ा स्पेशल जूस है यहाँ पर अजीजिया में, ये जूस शॉप है, इसके अंदर हम आए। ये हारून भाई के रिकमेंडेशन पे हम अभी ट्राई करने जा रहे हैं। ये माशाल्लाह एक नई मस्जिद बनी है हारून भाई के इलाके में, यहाँ पर हम आए मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। ये एक और मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद मेहराबी। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है और ये हारून भाई बता रहे हैं कि इसमें जो रमज़ान में तरावी होती है तो उसमें जगह नहीं मिलती। ये भी हारून भाई ने माशाल्लाह एक यहाँ पर शावरमा, ब्रोस्ट और बर्गर की शॉप शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह से, इसकी ओपनिंग होने वाली है। Dear guests, we are about to reach Al Sulaiman Jeddah station, where we will be stopping for a few minutes. If this station is your destination, remember to take all your luggage and your personal. अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहां से अब चलते हैं बस वे आउट की तरफ। ये हमारी ट्रेन है जो हमें लेकर आई है।
कि हम बाहर निकल रहे हैं लेकिन ये भी शेडेड है, पूरा शेड है। और यहाँ से हम वॉक करते हुए नीचे उतर जाएंगे जहाँ पर टैक्सीज पिकअप्स एंड ड्रॉप ऑफ्स पॉइंट बनाए हुए हैं। जब हम बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर नीचे टैक्सीज भी अवेलेबल है और ये है पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट जहाँ पर लोग छोड़ने आते हैं और लेने आते हैं। ये सामने जो प्लाजा है बिल्डिंग है ये की पार्किंग। और ये जद्दा स्टेशन बाहर से मैंने कहा आपको दिखा दूँ, इस तरह से कुछ दिखता है। माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टेशन है और काफ़ी ट्रैवलिंग है लोगों की, यहाँ पर लोकल लोग भी हैं, कुछ हाजीज भी आए हुए हैं। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है नीचे से और ऊपर से एग्जिट है जहाँ से ऊपर से हम आए हैं, ऊपर से हमने एग्जिट किया है। जब हम वापस जाएंगे तो हम नीचे से इसके अंदर दाखिल होंगे। ये एंट्रेंस और एग्जिट है और यहाँ से आगे अगर मैं फोटो करती हूँ ये बहुत प्यारी बनी हुई है, उसके आगे भी पार्किंग का एक प्लाजा बना हुआ है। एग्जिट करके लोग आ रहे हैं ऊपर, जैसे हम उठते हैं तो ये एस्केलेटर हैं जहाँ से आप बाहर उतरते हैं और उतरते यहाँ पर टैक्सी भी अवेलेबल है। और अगर आपको लेने आया हुआ है और जैसा कि हमें उम्मीद थी हमारे दोस्त हमारे साथी हमारे हमनाम ज़ीशान भाई में लेने आए हुए हैं जद्दा स्टेशन पर। और ये आए ज़ीशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे ज़ीशान भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है, खैरियत से? ठीक ठाक चल। आ गए अंदर और ज़ीशान भाई ने एहतमाम किया हुआ है, अलबैक लेकर आए हुए हैं ये, तो बस अभी खाना खाते हैं इनके साथ। अभी हम ज़ीशान भाई के घर से फारिग हो गए हैं और इनसे अच्छी मुलाकात रही, खाना वाना खाया, काफ़ी गपशप हुई। अब हम इनके घर से निकल रहे हैं क्योंकि टाइम इज़ रनिंग आउट। और हमारे नीचे दूसरे दोस्त हमें लेने आए हैं हारून भाई, वो भी यहीं रहते हैं जितने में, उनसे भी मुलाकात करनी थी, वो हमें नीचे लेने आ गए हैं। और ये हारून भाई हमें यहाँ पर कोई जूस, कोई बड़ा स्पेशल जूस है यहाँ पर अजीजिया में, तो ये इस शॉप पर लेकर आए हैं और अंदर ऑर्डर दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि ये पूरी जो स्ट्रीट है ये पूरी फूड स्ट्रीट बन गई है, जद्दा जो आधा जो जद्दा टूटा है उसके बाद से ये पूरे इलाके डेवलप हुए हैं और सारे जितने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं सारे यहाँ पर आ गए हैं इस रोड पे। ये अरबईन स्ट्रीट है यहाँ पे, यहाँ की बहुत मशहूर स्ट्रीट है। तो सामने यहाँ पे कह रहे हैं कराची कराची बिहारी और बिरयानी और फिरमाल हाउस खुला है, उसके बाद ये निराला स्वीट्स खुली है, ये बट कढ़ाई खुली है, ये सारे यहाँ पर आ गए हैं। काफ़ी रौनक हो गई है रात में, यहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती है, काफ़ी रौनक रहती है। ये जूस शॉप है, इसके अंदर हम आए यहाँ पे, जूस काफ़ी मशहूर है, काफ़ी मशहूर है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर।
और ये देखें, ये यहाँ का बहुत मशहूर एवोकाडो, ये असीर है, जूस जो कहलाता है, ये बहुत मशहूर है। ये हारून भाई के रिकमेंडेशन पे हम अभी ट्राई करने जा रहे हैं, तो फिर आपको पीने के बाद बताते हैं कि ये कैसा है। ये माशाल्लाह एक नई मस्जिद बनी है हारून भाई के इलाके में। यहाँ पर हम आए मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, और इसके साथ ही एक नया वॉकिंग ट्रैक बनाया, बड़ा खूबसूरत सा। ये वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद आपको दिखाते हैं ये वॉकिंग ट्रैक और ये पूरा एरिया, ये रिहाब का एरिया है। तो चलिए नमाज पढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये है वॉकिंग ट्रैक जो हारून भाई बता रहे थे, ये न्यू वॉकिंग ट्रैक बनाया है। रात में यहाँ काफ़ी बच्चे वगैरह आ जाते हैं और सब जो वॉक करते हैं। सामने पार्क भी है, ये मस्जिद अभी हमने जहाँ नमाज पढ़ी है, ये मस्जिद बिल्कुल वॉकिंग ट्रैक के साथ है। तो बहुत ही अच्छा इलाका है, न्यू डेवलप्ड इलाका है और अच्छी लोकेलिटी है, अच्छे बड़े बड़े घर हैं। अक्सर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा घर, इस तरफ काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, अच्छे घर हैं। और सऊदी ज़्यादातर यहाँ पर सऊदी नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह। ये एक और मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद मेहराबी। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है और ये हारून भाई बता रहे हैं कि इसमें जो रमज़ान में तरावी होती है उसमें जगह नहीं मिलती। इनके जो इमाम साहब हैं उनकी किरात इतनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और काफ़ी रश होता है इस मस्जिद में, काफ़ी नमाजी आते हैं दूर दूर इलाकों से यहाँ पर तरावी पढ़ने के लिए माशाल्लाह। और इसी के सामने इंटरनेशनल सफारतखाना है, तो आपको ये दिखा दूँ यहाँ से। माशाल्लाह एक यहाँ पर शावरमा ब्रोस और बर्गर की शॉप शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह से, इसकी ओपनिंग होने वाली है। शॉप का सेटअप कर लिया इंशाल्लाह, बस ईद की वजह से काम थोड़ा रुक गया था इनका, अभी कोई एक आध दो डॉक्यूमेंट शायद इनका रुका हुआ है, एक दो कोई फॉर्मेलिटी है कल दिया कि काउंसिल की वो पूरी करनी रह गई है, ईद की छुट्टी की वजह से वो रह गई थी। अभी इंशाल्लाह बस अभी ये ख़त्म हो गई है, तो अभी ये फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वन वीक के अंदर ये इसकी ओपनिंग कर देंगे। और इरादा यही था कि अभी तक हो जाएगी, तो उन्होंने कहा अभी तक आप हज पर आएंगे तो आपको अपने शॉप का ब्रोस और बर्गर वगैरह खिलाएंगे, लेकिन लेट हो गया ईद की छुट्टी की वजह से। तो चले अंदर चल के आपको दिखाते हैं। अच्छा ये शावरमा है, ये ऊपर चिमनी है माशाल्लाह, और ये नीचे शावरमा का ये पूरा सेटअप है, और ये सारे रैक्स हैं, ये सारे कंटेनर्स हैं इसके अंदर माशाल्लाह। सामान आपने पूरा सेटिंग वेटिंग सारी कर ली है माशाल्लाह से, ये फ्रिज फ्रीजर वगैरह है लगे हुए हैं, ये इनके ड्रायर्स है, हीट ड्रायर है, चिमनी, और ये सारा जितना भी फायर का सेटअप वेटअप सारी डक्टिंग वक्टिंग सारी पूरी हुई हुई है। सामान पूरा माशाल्लाह तैयार है बिल्कुल, फायर एक्सटिंग्विशर और ये फायर का काम, सब चीज़ें लगी हुई हैं, स्क्रीन भी लग गई है, कैमरे लगे हुए हैं। माशाल्लाह से, और ये शावरमा का एक सेटअप है, इस पर ये फार्म लगेगा, फार्म मतलब चिकन, कोयले के ऊपर चिकन लगेगी। तो एक शावरमा इस तरह से बनता है जो कोयले के ऊपर बनता है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, इसका जायका थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है चिकन के लिए,
और एक नॉर्मल शावरमा जो गैस पे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी लगता है वो इस वाली मशीन पे लगता है। तो ये मशीन भी इन्होंने लेके रखी हुई है, इस पर ये लैम लगा लेंगे जो इनका प्रोग्राम है, इस पर ये लैम लगाएंगे और इस पर ये चिकन लगाएंगे।